हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन रीट लेवल सेकंड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के गुणनखंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां अपन तीन क्लासों में देख चुके हैं। ये अपनी तीसरी क्लास है, सॉरी कौन सी क्लास है अपनी तीसरी, दो क्लास हो चुकी है जहां अपन ने गुणनखंड को समझा कि गुणनखंड क्या है, कि किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वह उसके गुणनखंड या भाजक कहलाते हैं। यहां तक समझा था, फिर उसको अलग अलग कैटेगरी में कर दिया, एक अभाज्य गुणनखंड और एक सर्वसंभव गुणनखंड किया। फिर सर्वसंभव को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कितनी में, दो में, एक सम और एक विषम। जहां अपने इनकी संख्या समझी, अभाज्य में कितनी थी घात प्लस एक, और अपने सॉरी अभाज्य में थी घातों का कुल मान, जबकि जो सर्वसंभव था उसमें कितना मान था घात प्लस एक। यहां तक बात हो गई थी। फिर अपन गुणनखंडों के योग के बारे में जा रहे थे, यानी जो इसके गुणनखंड है उनका योग कितना होगा, यानी इनको विभाजित करने वाली संख्याओं का योग कितना होगा, यहां पर डिस्कस कर रहे थे अपन। जैसे आपको बताया था आपकी सेकंड क्लास में, ये बताया था कि आपको कहा था कि जो आठ है, आठ के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, आठ के सभी गुणनखंडों का योग कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे अपन, कि आठ का अपन ने टुकड़े किए दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, इसका मतलब हो गया दो की पावर कितनी हो गई है तीन, सही है यहां तक हो गया था। फिर योग निकालने के लिए अपन ने क्या किया कि यहां पर दो है, घात कितनी है तीन है, तो एक बढ़ा दो और यहाँ एक माइनस कर दो, यहाँ दो माइनस एक जैसे बेस है, तो दो की पावर चार का मतलब सोलह, सोलह में एक गया पंद्रह, सही है। तो ये अपना क्या था, आंसर था, क्लियर। आप चाहें तो अपन वो संख्या निकाल सकते हैं, कौन सी, एक दो, दो का भाग जाता है चार का जाता है, और आठ का देख लो बारह और तीन पंद्रह हो गए। ऐसे अपन ने किसके निकाले थे, बारह के निकाले थे, सही है, बारह के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, देखिए कितना है सभी गुणनखंडों का योग। अपन ने समझा कि जो 12 है इसके टुकड़े किए थे दो की पावर दो और तीन की पावर एक, यहां तक किया था। योग निकालने का तरीका क्या है अपना, योग निकालने का तरीका ये घात प्लस एक करना है, तो यहाँ घात कितनी है दो है, तो उसको कितनी कर दो तीन, और ये माइनस एक और ये दो माइनस एक, क्लियर। फिर यहाँ तीन की घात कितनी है एक है, तो एक प्लस कर दो दो गई माइनस एक और ये तीन माइनस एक, क्लियर बात। यहाँ पे अपन देखें तो ये तो कितना होगी, दो की पावर तीन का मान कितना होता है आठ, आठ में गया सात, सही है। और यहाँ कितना हो गया तीन की पावर दो, नौ, नौ में गया आठ, सही है आठ है, और नीचे कितना हो गया दो, ये कितना हो जाएगा अट्ठाईस, कितना आ रहा है अट्ठाईस। आप चाहें तो सॉल्यूशन में ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, इसमें एक तो एक कब आ जाता है, एक दो का, एक तीन का, एक चार का, सही है, और एक छह का और एक बारह का, सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बारह छह अठारह, अठारह चार बाईस, बाईस और तीन पच्चीस, पच्चीस और तीन अट्ठाईस, सही है, ऐसे क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पे अपने को समझने की जरूरत है कि आप इससे ना आप संपूर्ण संख्या भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं संपूर्ण संख्या, कैसे, अपने को पता है कि जो संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या यानी आपका कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर कैसे निकालते हैं कि आप उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्या बताई थी, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग यानी सर्वसंभव गुणनखंडों का योग कितना हो संख्या से दुगना, तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स, संपूर्ण संख्या होती है। क्या, जितने भी उसमें सर्वसंभव गुणनखंड आ रहे हैं अगर उनको जोड़ दें और वो जोड़ संख्या से दुगना चला जाए तो सदैव वो क्या, कौन सी संख्या प्राप्त होगी, संपूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कैसे, जैसे अपने ले लें, यहां पर ले लिया अट्ठाईस, अट्ठाईस का चेक करना है कि संपूर्ण संख्या है या नहीं है, तो क्या करेंगे अट्ठाईस को करेंगे सोलह, तो ये दो का भाग देंगे कितनी बार गया चौदह, फिर दो का देंगे कितने गया सात, और ये सात और ये एक, क्लियर बात यहां तक। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ओवरराइटिंग हो गई है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अट्ठाईस का तात्पर्य क्या हो गया, दो की घात दो है और सात की घात कितनी है एक, क्लियर। अब क्या बनाना है अपने को, योग, अगर योग इस अट्ठाईस का दुगना आ गया तो अपन ये भी कह सकते हैं संपूर्ण संख्या है, देखिए। और आपको कहा था नंबर सिस्टम में आप चेक कर सकते हैं कि संपूर्ण संख्या क्या होगी, वो मेथड आगे डिस्क्राइब करेंगे जो कि अब डिस्क्राइब हो रहा है। जैसे दो की घात यहाँ कितनी है दो है, तो एक बढ़ा दो तो तीन हो गई, यहाँ माइनस एक और यहाँ दो माइनस एक। अब यहाँ सात की घात कितनी है एक है, तो एक बढ़ा देंगे तो कितना जाएगा सात की घात दो माइनस एक, और यहाँ सात की घात दो माइनस एक, क्लियर, सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दो नहीं करना है, तो यहां तो कितना हो गया दो की पावर तीन का मान आठ, आठ में गया सात, कितना हो गया
सात, अब यहाँ सात हो गया तो आगे चलेंगे, अब सात का स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब कितना, 49 में से कितना गया एक, तो कितना बचेगा 48, नीचे देखिए कितना बच गया, सात में एक गया तो छह, ये इसको काटेगा सही है कितनी बार, आठ बार, तो सात आठ कितना हो गया 56 हो गया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सम है ना, ये इस संख्या का क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, कितना हो रहा है दुगना, तो अपन कह सकते हैं कि 28 जो है, 28 एक संपूर्ण संख्या होती है, एक संपूर्ण संख्या होती है, ये ऐसे अपन इसमें क्या चेक कर सकते हैं, संपूर्ण संख्या, समझ गए बात। क्या करना है, यदि सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना प्राप्त होता है तो वो क्या होती है, संपूर्ण संख्या होती है, रह जाएगी बात याद अपने, और बहुत इजी है, ऐसे चेक कर सकते हैं, कोई भी बड़ा नंबर आए तो आप चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, जैसे अपन ले लें, आपने कह दिया जाए 100 के सभी गुणनखंडों का योग, 100 के सभी गुणनखंडों का योग। अब यहां देखिए स्टूडेंट क्या है बात, अपने को ये पूछ रहा है 100 के सभी गुणनखंडों का योग, तो क्या करें अपन, पहले 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 100 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, सही है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ कितने का भाग जा रहा है, 2 का, कितनी बार गया 50 बार, 50 में भी 2 का देंगे कितनी बार गया 25, फिर 25 में 2 का नहीं जाएगा तो कितने का जाएगा 5 का, और ये 5 का, ये हमेशा कौन से रहने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड रहने चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो अपने आंसर नहीं आएंगे। तो अपन 100 को कह सकते हैं क्या, 2 की घात 2 और 5 की घात कितनी है 2, कलियर बात यहां तक। अब यहां देखें तो अपने को क्या बनाना है, योग, योग बनाना है तो इसे क्या लिख देंगे, 2 की घात 2 है तो 1 बढ़ा दो 3 और माइनस 1 और 2 माइनस 1, यहां घात कितनी है 2 है तो बढ़ा देंगे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे कितनी हो जाएगी 3, और ये 5 माइनस 1 और यहाँ भी 5 माइनस 1 हो जाएगा, कलियर बात यहां तक। अब क्या करें, इसको सोल्व करना है, 2 की घात 3 का मान 8, 8 में गया 7, यहां तक आ गया है 7, कलियर बात। अब यहाँ कितना हो जाएगा 124, नीचे कितना बच रहा है स्टूडेंट्स, 5 माइनस 1 का तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 को यहां से काटेंगे सही कितनी बार 3 और 1, सही है क्या, 4 कम 4, अब अपने पास बचा 7 × 31, सही है, तो ये 7 और ये 7 या 21 कितना हो गया 217, तो ये जो योग है 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है 217 आ रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है, जो अभी अपन ने चेक किया, क्या 100 संपूर्ण संख्या है, क्या 100 संपूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि योग जो है सभी गुणनखंडों का वो जो है वो इसके दुगने से भी क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, अगर ये योग 200 होता तो ये कौन सी संख्या होती, संपूर्ण संख्या होती, ऐसे समझ लिया था अपने पिछले 2 वीडियो में, आज अपना तीसरा चल रहा है, तो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ क्या है, अपने को थोड़े से समझने की आवश्यकता है, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा क्या नहीं है उसको समझें, अपने को क्या है, अब सम विषम जैसे अपने गुणनखंडों में संख्या निकाली थी, सम की अलग कर दी थी और विषम की अलग कर दी थी, सही है, वैसे ही इसमें भी किया जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास है 12 है, कितना है 12 है, अब यहां कहें 12 है, अब इसके एक तो निकाले हैं अपन सभी गुणन खंडों का योग, सभी गुणन खंडों का योग, और एक निकाले विषम गुणन खंडों का योग, गुणन खंडों का योग, और एक निकालेंगे सम, एक निकालेंगे सम गुणन खंडों का योग, देखिए समगुणन खंडों का योग, देखिए बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अपन ने संख्या निकाली थी वैसे निकालेंगे। अपन को पता है कि जो 12 है इसका मतलब हुआ 2 की घात 2 और 3 की घात कितनी हुई 1, क्लियर है यहाँ पे। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ 2 की घात कितनी लिख देंगे 3 माइनस 1 और ये 2 माइनस 1 जो भी लिखा था, और ये 3 की घात 2 माइनस 1 और ये 3 माइनस 1, क्लियर बात। अब यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये तो कितना बन जाएगा 7 और ये कितना बन जाएगा यहाँ देखेंगे तो 4, तो 7 कितना हो गया अपना हो जाएगा आंसर कितना 28, क्लियर बात, सही है क्या, ये तो हो गया 7 या हम 4 देखो 8, 8 में 2 का भाग दें कितना आएगा 4, ये हो गया सभी। अगर अपन यहां देखें विषम, तो विषम संख्या यही तो है, विषम संख्या ये है, और ये जो मान बना रही है वो कौन सा मान
बना रही है ये वाला, यही तो मान बना रही है। और यहाँ पर इसका मान कितना आ रहा है, चार। कितना आ रहा है, चार। तो चार यहाँ रख दो। और सम निकालने के लिए मैंने कहा था ऐसे मत करना कि ये मान बना है, नहीं, आपको टोटल में से, यानी टोटल कितना है 28 है, 28 में से चार निकाल देंगे, कितने आ जाएंगे 24। ये अपना क्या है आंसर, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। ये लीजिए बन गया। अगर आपके डाउट हो तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए अगर सॉल्यूशन करेंगे तो एक का बार जाता है, दो का जाता है, तीन का जाता है, चार का जाता है, छह का जाता है और कितने का, बारह का जाता है। सही है। तो विषम देख लीजिए, इसमें से अगर विषम देखें आप तो देखिए एक तो है एक और एक है तीन, कितना हो गया चार। सही है। बाकी जो बचे वो क्या है, सम है। बाकी जो बचे वो क्या है, सम। कितना हो जाएगा 24। सही है। लेकिन ये हर बार ऐसा मेथड तो क्या बढ़ता है, लेंथी, तो ऐसे कर सकते हैं। समझा भी तो अपने एक दो क्वेश्चन, थोड़ा और अगर आगे बढ़ा लें, जैसे अपने कह दे, मान लो कह दिया जाए 108। कितना है स्टूडेंट्स, 108। सही है। तो 108 का पहले अपन क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। 108 का अगर अपन टुकड़े करें तो यहाँ देखिए 108 को सोल्व करना है, दो का बार देंगे, कितनी बार गए यहाँ पर 54, फिर दो का देंगे, कितनी बार गया 27, फिर दो का देंगे क्या, नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, तीन का, कितनी बार, नौ बार, फिर तीन का और फिर तीन और ये तीन, कलिए बात। यानी इसका तात्पर्य कितना हो गया है, अपने पास हो गया दो की घात दो और तीन की घात कितनी हो गई है, तीन। कितनी बात है, कलिए बात। अब अपन यहां निकालेंगे सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। सही है। तो सभी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे दो की घात कितनी हो जाएगी, तीन, माइनस एक और ये दो माइनस एक। सही है कि घात प्लस एक कर दिया है। और यहाँ पर देखें तो कितना कर देंगे, तीन की घात चार माइनस एक और ये कितना हो जाएगा, तीन माइनस एक। सही है। ये तो कितना बना अपने पास, सात। ये तो कितना बन रहा है, सात। और ये बनाना है तो यहाँ देखिए ये हो गया 81, 81 में एक गया 80, 80 में कितने का भाग देंगे, दो का, कितनी बार गया 40। तो यहाँ कितना हो गया है, 280 हो गया। कितना हो गया है, 280। चलिए बात, अब अपने को क्या निकालना है, विषम, विषम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का योग। अब देखिए कितना इजी है, आप यहां देखिए गुणनखंड में विषम संख्या ये है और इसका मान किसने बनाया है, इसने, और इसका मान कितना आ रहा है यहाँ पर 40, यही तो आ रहा है। तो ये मान तो कितना हो गया अपने पास 40। ये लीजिए, ये एक आंसर है, ये एक आंसर हो ही गया था। और अपने को पता है अब क्या पूछा जाएगा, सम। तो सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी है। अब टोटल लिख लो 280 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 240। ये लीजिए, यही अपना क्या है आंसर है। चलिए बात, ऐसे कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर लें और उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, केवल विषम को अलग करना है, फिर सम का टोटल में से लेस कर देना है। चलिए बात, आ गई है आपके पास में, ये क्या थे अपने सर्वसंभव गुणनखंड, सम विषम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। सही है, सम विषम और सर्वसंभव इनमें निकाल लिए, अविभाज्य में निकाल लिए थे, संख्या निकाल ली और क्या निकाल लिया, इनका योगफल। तो यहां तक आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करते रहें और क्लास चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सही है, आ रही है ना बात समझ में, तो कर लीजिए, क्या जरा आपको तकलीफ है इसमें। तो इससे आगे चले, आज इससे आगे चलेंगे, ये जो चल रहे हैं ये अंकों पर चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, अंकों पे। अब जो नेक्स्ट है वो अपन बात करेंगे किसमें, बीजीय व्यंजकों में। सही है, तो देखिए नेक्स्ट इसका पैटर्न जो है वो लगाएंगे बीजीय व्यंजक, बीजीय बीजीय व्यंजकों, बराबर। देखिए बीजीय व्यंजक का तात्पर्य क्या है, यहां से थोड़ा सा अपने को समझते हुए चलना है। बीजीय व्यंजक से तात्पर्य है जिसमें अपन एक्स वाई, जिसको अपन एलजेब्रा बोलते हैं। सही है, जिसको अपन बीजगणित बोलते हैं। इनमें अंक भी होंगे लेकिन अपने साथ चर और अचर दोनों पदों का प्रयोग हो जाता है यहाँ पर। सही है, बस आपको यहाँ क्या करना है, इन गुणनखंडों की, गुणनखंडों का मान ज्ञात करना है। सही है, जैसे अपन मान लीजिए, आप यहाँ, आपको एक बात कह देता हूँ, यहाँ थोड़ा अभाज्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे अपन, किसका प्रयोग नहीं करेंगे,
अभाज्य शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरा होता है, और वो दूसरा क्या है समझे। जैसे अपने यहां लिख दें 13xy प्लस 19x, क्लियर बात है यहां, या दो पद है, एक पद हो गया ये और एक पद हो गया ये, क्लियर बात। अब इस पद को अगर अपन लेते हैं कितने को 13xy, सही है, इसको अपन सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 13 गुणा x गुणा y, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, सही है। अब जो इनको टर्म्स को अपन ने अलग अलग किया, ये इसके क्या है, ये इसके जो है ये सभी क्या कहलाएंगे, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन आपको बता दूं इस अभाज्य की जगह एक नया शब्द काम में लेंगे जो यहाँ अभाज्य गुणनखंड नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते, अभाज्य बहुत कम कहते हैं कि थोड़ा ओकवार्ड लगेगा ये शब्द, ये जो शब्द है ये किसके लिए है, अंकों के लिए सही है, लेकिन यहां अपन जब बीजीय व्यंजक की बात करते हैं तो इसको कह देते हैं अखंडनीय गुणनखंड, क्या कह देते हैं, अखंडनीय गुणनखंड, गुणनखंड, सही है। जिसको आप कहें तो कह सकते हैं अखंडनीय का तात्पर्य क्या है, इरिड्यूसिबल होता है, क्या होता है, इरिड्यूसिबल, तो अपन ये कह सकते हैं, याद है ना, इस शब्द को काम में नहीं लेके क्या लेते हैं, अखंडनीय गुणनखंड लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इरिड्यूसिबल, सही है। जैसे अपन इसको ये है 19x है तो अपन 19 × x कह सकते हैं इसको, सही है। तो यहाँ क्या शब्द काम में लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की जगह अखंडनीय गुणनखंड, क्या शब्द में लेते हैं, अखंडनीय या इरिड्यूसिबल काम में लेते हैं, क्लियर बात यहां तक, आगे बात समझ में आ, ये इसके क्या है, गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड कौन सा शब्द काम में ले लेते हैं, अखंडनीय गुणनखंड, जिसको और खंड खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह क्या है, अखंडनीय होता है। यहां तक आगे बात समझ में, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ना है अपने को, ये गुणनखंडी करने, कैसे, जैसे आपको कह दिया गया एक क्वेश्चन, यहां कह दिया 24xy प्लस, यहां कह दिया अपने को 16y, ये बीजीय व्यंजक है, क्लियर बात, यहां कहे का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, केवल आपको इसमें से देखिए, इसमें इस ये एक पद ये है, एक पद ये है, पहले अपन देखेंगे अंक, अंकों में जो संख्या है वो कितनी है, 16 और 24, 16 और 24 में आप वो देखिए कौन सी सबसे बड़ी संख्या इनको विभाजित कर सकती है, यानी इन अंकों का एचसीएफ क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 8, अगर आप मानो 4 ले लें तो भी विभाजित हो सकती है फिर, इसलिए सबसे बड़ी देखनी है, तो कौन सी है अपने लिए सबसे बड़ी, 8। अब यहां देखिए x, यहाँ x नहीं है, यहाँ y, यहाँ y है, तो इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ इसका भाग देंगे तो कितने 8 कितनी बार गया, 3, और क्या बच गया x, और इधर क्या बच गया 8 × 16, और क्या बच गया y, तो कट गए, ये लीजिए इसका गुणनखंड है। अगर आपके डाउट हो तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 + 24xy और प्लस कितना हो गया 16y, ये लीजिए वापस आ जाएगा, समझ रहे हैं बात, तो अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस अपने को यही प्राप्त होगा, वापस अपने को क्या होगा, यही टर्म्स प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए अपने को कह दिया यहां पर ax + bx + cx, सही है, इसका गुणनखंड करना है तो अपने क्या हो जाएगा, x तो इसमें कॉमन आ रहा है, सही, तो अपन कह देंगे a + b + c, ये लीजिए। अगर आपके डाउट हो तो आप इसको अंदर ले जाओ, यहां और यहां, वापस आपको यही पद मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल रहा है तो मतलब यही क्या है, इसका गुणनखंड है। यानी जो आपको दो टर्म्स दे रखे हैं ना, उनको वापस अगर मल्टीप्लाई कर दें, जितना ऑप्शन में है, दो है, तीन है, अगर उनको मल्टीप्लाई कर दे दो, जो अपना क्वेश्चन में जो टर्म्स दिया गया है, जो बहुपद है, वह वापस बन जाना चाहिए, वही क्या होता है, उसका आंसर होता है, समझ रहे हैं बात, आ गई ये बात यहाँ तक समझ में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मान लो अपने को पूछ लिया जाए ऐसे कि बताइए x²-14x - 32
ये क्या है? बहुपद। के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक तो ये द्विघात समीकरण है। कौन सा है? द्विघात समीकरण है। ज्यादा हार्ड नहीं है अपने को, इसको सॉल्यूशन करना है। तो एक तो जैसे अपन ले लें, एक्स स्क्वायर दे रखा है अपने को, 14x दे रखा है, और माइनस कितना दे रखा है? 32। सही है। तो अपने को करना क्या है, यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 32। तो ऐसे दो टर्म्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो कितना आए, माइनस का 32 आए। मल्टीप्लाई तो कितना है, माइनस का 32, यानी पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, माइनस का 32 एक्स स्क्वायर हो रहा है। कितना हो रहा है, माइनस का 32 एक्स स्क्वायर। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 14x आना चाहिए। वही संख्या ऐसी आपको फाइंड आउट करनी है, कौन सी, जिनका दो संख्याओं का गुणा तो कितना है, माइनस का 32, और जोड़ने पर कितना आ जाए, माइनस का 14 आ जाए। सही है। यानी पहले और लास्ट टर्म के गुणा के बराबर तो गुणा होना चाहिए, और जो बीच में टर्म्स है उसके बराबर उनका क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। जैसे आपने ढूंढे कि एक तो होता है 32 बनाना है दो संख्याओं का, तो अपन कह दें 4 अंटे 32, 4 अंटे कितने कह दिए, 32 कह दिए। सही है। और कौन सा हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 1 32 1 32 हो गया। सही है क्या? अरे हो रहा है नहीं हो रहा है, सही है ना? तो यहां तक अपनी बात चल रही है ना। तो देखिए यहाँ अगर मान लीजिए अपन इसको माइनस का ले लें, इसको क्या ले लें, माइनस का ले लिया मान लो, और इसको प्लस का ले लिया, चलो तो प्लस गुणा करेंगे तो माइनस का 32 आ रहा है। सही है। लेकिन जोड़ने पर क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, लेकिन ये कितना आना चाहिए, माइनस का 14 आना चाहिए, यानी ये तो नहीं बनाएगा। जैसे यहाँ माइनस ले लिया तो माइनस 16 दूनी 32 माइनस का हो रहा है, और जोड़ेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। तो अपना कौन सा है, यही है। सही है। तो अपन इससे फैक्ट्रीज को सोल्व कर सकते हैं। क्या लिखें, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर या माइनस का 16x और प्लस का कितना हो गया 2x, चाहे देख लीजिए माइनस का 14x बनेगा। सही है। नहीं अगर इसको सोल्व करेंगे, और गुणा कितना आना चाहिए, माइनस का 32 आना चाहिए, और ये माइनस का हो गया 32। अब यहाँ देखिए ये हो गया एक्स, सही है, यहाँ कॉमन लेंगे एक्स, तो ये एक्स माइनस कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, प्लस का 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 16। सही है। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका जो आपने फैक्टर किए हैं वो भी क्या है, एकदम सही है। तो इन जो दो ब्रैकेट सेम चल रहे हैं इसको तो एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 16 इन दोनों के लिए, और एक जो कॉमन लिया है वो लिख लो x प्लस 2। यही क्या है अपने गुणनखंड, इस पद के बहुपद के क्या है, इस गुणनखंड है कितना, x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 2। सही है। बाकी आपको मान लो ऑप्शन में ऐसे दे देता, मान लो आपको ऑप्शन बना देता, बाई ऑप्शन भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे ए ऑप्शन बना देता, मान लो अगर ये अपने कह देता एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस, देखो या सही है, और यहाँ कहते हैं एक्स माइनस 16, बी कह दिया एक्स प्लस 2 और यहाँ कह दिया एक्स माइनस 16, सी कह दिया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस या प्लस 8 कह दें, और यहाँ डी कह दें एक्स माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 4, मान लो ये कह दिए। इनमें से अपने को ढूंढना था, तो अपने को इतना बड़ा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, अब बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। जैसे अपन अपना आंसर ये बनाए, कौन सा बनाया, ये बनाया ना आंसर। अब इस आंसर के लिए अपन क्या करें, इस ऑप्शन को ले आओ, सही है, विकल्प के द्वारा, विकल्प के द्वारा। देखिए विकल्प के द्वारा कैसे है, विकल्प में कितना दे रखा है एक्स प्लस 2 और कितना दे रखा है एक्स माइनस 16। अब यहां इसको इंटू करें आप, सही है, तो इंटू करेंगे तो ये पहले इससे इंटू होगा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये इससे होगा तो कितना हो गया माइनस का 16x हो गया। सही है। फिर ये इससे होगा कितना हो गया प्लस का 2x हो गया, और फिर ये इससे होगा माइनस का कितना हो गया 32 हो गया। अब यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 14x हो गया, ये माइनस का 32 हो गया। बोलिए पहले वाला टर्म्स मिल गया नहीं मिल गया है। सही है। तो अपना ये लो आप विकल्प के द्वारा भी कर सकते हैं अगर ऐसे नहीं हो तो। सही है। तो ऐसे अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और कह दिया जाता और यहाँ कह दिया अपन एक्स स्क्वायर प्लस
सात एक्स प्लस दस है, सही है, इसके गुणनखंड कर लें, सही है। तो अपन क्या करें, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा तो दस हो और जोड़ने पर कितना है सात, तो अपन कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस दो एक्स, और यहाँ कितना हो गया प्लस दस, सही है। तो इन दोनों को जोड़ लो सात बनेगा, गुणा कर लो कितना आएगा प्लस का दस। तो इन दोनों में तो कितना कॉमन आ रहा है, इन दोनों में अपने पास कितना आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या कितना बचा एक्स प्लस पांच। यहाँ देखिए प्लस ऐसे कैसे, यहाँ कितना कॉमन आ रहा है एक्स ही आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है एक्स क्योंकि इसके साथ नहीं है, तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है दो तो आ ही सकता है कॉमन, तो यहाँ कितना हो गया एक्स प्लस पांच, सही है। एक तो ये ब्रैकेट सेम है तो इसको लिख लेंगे कितना एक्स प्लस पांच, अगर ब्रैकेट सेम नहीं होता तो अपना गुणनखंड किया हुआ क्या है गलत है, और एक ये हो गया एक्स प्लस दो, यही इसके क्या है गुणनखंड है, ये इसके क्या है गुणनखंड है। आगे बात समझ में आ रही है यहां तक बात, थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं, आपको एक चीज और समझनी है, क्या है वो चीज वो समझें एक बार। जब कोई भी टर्म्स किसी के ये जो गुणनखंड कह रहे हैं अपन, कोई किसी का गुणनखंड होता है बीजीय व्यंजक में, तो उसका भाग देने पर हमेशा शेषफल शून्य प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा शून्य। अगर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो जो आपने गुणनखंड चेक कर रहे हैं उसका, वो उसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। शेषफल यदि भाग विधि के द्वारा कितना आता है जीरो, कितना है जीरो, तभी वो उसका गुणनखंड होता है, अदरवाइज वो गुणनखंड नहीं होता है। बात समझे, कोई पद किसी का गुणनखंड कब होता है जब उसमें उसका भाग दे देते हैं तो शेषफल कितना आता है जीरो, अगर शेषफल जीरो नहीं है तो वो उसका गुणनखंड भी नहीं है। जिस अपने दो क्वेश्चंस देखे वहां उनके गुणनखंड फाइंड आउट किए, वो गुणनखंडों में से अगर उसका भाग दे देना तो शेषफल जीरो आएगा, अगर नहीं आया तो उसका गुणनखंड नहीं होता है, सही है। तो एक बार ईडीएल थ्योरम देखें अपन, ईडीएल जो प्रमेय है क्या है, क्या ईडीएल थ्योरम देखिए, ईडीएल थ्योरम यह है कि यहां अपन जो ऐसे लिखते हैं, यहां तो होता है ए, इधर होता है बी, इधर होता है क्यू, और ये होता है आर, सही है। जैसे अपन कह देते हैं यहां क्या, यहां तो भाज्य, यहां कह देते हैं भाजक, और यहां क्या कह देते हैं अपन भागफल, यही तो कहते हैं, और यहां नीचे क्या कह देते हैं शेषफल, क्या कह देते हैं शेषफल, सही है। इसका मतलब ये है कि अपन यहाँ एक ideal थ्योरम से बना देते हैं कि जो भाज्य है वो किसके इक्वल है, भाजक गुणा भागफल गुणा भागफल, और प्लस क्या जाता है शेषफल, प्लस क्या जाता है शेषफल। इसी को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि अपना जो ए है वो क्या है बी क्यू प्लस आर, क्या है बी क्यू प्लस आर, अभी आर क्या है शेषफल है, आर क्या है शेषफल, जहां अपन कह सकते हैं कि जो शेषफल है ये क्या है शेषफल, ये शेषफल सदैव ना बड़ा होगा जीरो से, या क्या होगा जीरो के बराबर, या तो क्या होता है जीरो से बड़ा या जीरो के क्या होता है बराबर, किंतु छोटा होगा सदैव भाजक से, भाजक से क्या होगा छोटा, तभी तो शेषफल आता है, नहीं तो नहीं आता। यानी यहां अपन कह सकते हैं कि वेहर वेहर आर जो है आपके पास क्या है आर, ये आर क्या है आर की जो लिमिट है वो है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन किससे छोटा है बी से, ये अपने होता है, सही है। इसी को तो भाग कहते हैं, सही है, अपन ऐसे बनाते भी हैं, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो आर से क्या तात्पर्य है, इसमें कंडीशन देगा, तो ऐसी कंडीशन है तो वही सही है, शेषफल जीरो भी हो सकता है जीरो से बड़ा भी हो सकता है, किंतु भाजक से क्या होता है सदैव छोटा होता है, सदैव क्या होता है छोटा। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ एक डिवाइड दे रहे हैं, अपन तीन का डिवाइड दे रहे हैं कितने में सत्रह में, सही है, कितनी बार गया पांच बार गया पंद्रह, और यहाँ कितना बच गया दो, यानी ये तो क्या है अपने पास सत्रह है, इस सत्रह तो हुआ अपन कह सकते हैं ए इक्वल टू क्या हुआ बी क्यू प्लस आर हुआ, तात्पर्य क्या हुआ है ए तो है सत्रह बी है तीन और क्यू है पांच और ये है दो, सही है। तो कितना हो गया पंद्रह प्लस दो सत्रह हो गया, आए नहीं आए, आ रहे ना यहाँ पे, सही है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए जो ये आर आ रहा है, क्या आ रहा है आर, ये आर जो है ये क्या तीन हो सकता था, नहीं हो सकता, सही है, तीन हो जाता फिर तो एक और बार भाग चला जाता, एक और बार नहीं चला जाता क्या बात, इसलिए जीरो से तो क्या होगा बड़ा,
लेकिन जीरो के जीरो के बराबर भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो आपको कह दिया यहाँ छह और आपको भाग देना है यहाँ 24 में, सही है, तो कितनी बार चला गया 4 बार, सही है, ये कितना हो गया 24, तो ये आ गया जीरो। अब से इसमें कितना आया? जीरो आया। यानी अगर अपन देखें कि a इक्वल टू क्या होता है, भी क्यों प्लस r, सही है, यानी भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, सही है। तो इसका मतलब हुआ 24 बराबर कितना है 6 गुणा 4 प्लस 0, सही है, ये 24 प्लस 0 कितना हो गया 24 हो गया, सही है। तो यहाँ पर ये r इसी को तो बता रहा है नहीं, यहाँ पर ये r को बता रहा है, ये लीजिए, सही है, यानी जीरो भी हो सकता है जीरो से बड़ा, लेकिन भाजक के बराबर नहीं हो सकता। अगर भाजक के बराबर हो जाता तो फिर भाग ही चला जाए यहाँ पर। इतनी बात आ गई है समझ में? और आती भी है कई बार ईडीएफ क्रम में, ये a इक्वल टू b के प्लस r देके आपको r पूछ लिया जाता है। तो यहां से अपन आंसर भी बना सकते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा था कि कहा अपने कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x और कितना था माइनस का 32, ये था, सही है। आप इसका ये एक बहुपद है, बहुपद का गुणनखंड। अब यहाँ पे अपना है गुणनखंड जो था, गुणनखंड कितना आया, गुणनखंड, तो गुणनखंड आया एक तो आया x माइनस 2 और एक आया x माइनस 16। इन दोनों का देखिए इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। कैसे? पहले पे भाग दे लेते हैं एक बार, ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 32, देखिए तो यहां देना है x माइनस 2 का, सही है। तो पहले कितनी बार चला जाएगा x टाइम, यानी एक्स स्क्वायर और ये कितना जाएगा माइनस का कितना जाएगा 2x, क्लियर बात यहाँ। फिर यहाँ साइन बदल देंगे अपन, ये माइनस और ये प्लस, क्लियर, ये तो हो गया कैंसिल, सही है। यहाँ कितना बच जाएगा अपने पास, माइनस का 12x जाएगा और इसको लिख लेंगे, सही है क्या। अब यहाँ देखिए कितनी बार जाएगा, माइनस का 12 बार हो जाएगा, सही है। तो यहाँ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12x हो गया। और यहाँ देखें कुछ गलती कर दी गया, यहाँ x माइनस 2 था, x प्लस x माइनस 2 ही था ना, देखिए कितना हो गया, यहाँ पर दे दिया अपन ने x टाइम, सही है। फिर यहाँ 2x हो गया, चलो सही है। फिर यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ देंगे, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये इसके गुणनखंड थे या नहीं थे, दोबारा देखते हैं एक बार दोबारा देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ कितने आए थे, यही आए थे कि इसके, चाहे अपन मल्टीप्लाई कर ले, नहीं कुछ ना, या प्लस है या प्लस माइनस, गलत ले लिया अपन ने, देखिए पहला सवाल और ये x प्लस 2 है, कितना है x प्लस 2, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो गलत हो रहा है, यहाँ x प्लस 2 है, सही है ना। ये अपन ने यहाँ पर साइन गलत ले लिया और यहाँ कितना आएगा, प्लस आएगा, सही है। तो एक बार दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा देखेंगे तो यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 32, सही है। यहाँ डिवाइड देना है, किसका देना है अपने को, x प्लस 2 का देना है, सही है। तो कितनी बार आएगा, x हो गया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2x, क्लियर बात। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाए, साइन बदल जाएंगे, तो ये तो हो गया कैंसिल, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 16x हो जाएगा, और ये कितना हो गया माइनस 32, क्लियर बात। अब कितने ज्यादा हो जाएगा, यहाँ माइनस का 16x हो जाएगा, x तो है ही, केवल कितना हो जाएगा माइनस 16, सही है। तो यहाँ अगर देखें अपन तो कितना हो गया है, ये तो अपने पास बन गया कितना माइनस का 16x और ये माइनस का 32। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ साइन बदलेंगे, प्लस प्लस, ये भी कैंसिल, तो शेषफल कितना रहा, जीरो। ये इसका गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड इसलिए है क्योंकि इसका भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, जीरो। गुणनखंड ये तभी होते हैं जब इनका शेषफल अपने पास कितना प्राप्त हो, शून्य। जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें कि अगर x माइनस 16 का देना था, इसमें x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 32, क्लियर बात यहाँ पर। तो यहाँ देखें कितने ज्यादा टाइम चला जाएगा, यहाँ देंगे तो कितना हो गया अपने पास x, तो x स्क्वायर और यहाँ कितना है माइनस का कितना हो जाएगा 16x, सही है। यहाँ सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया माइनस और ये प्लस, ये हट गया, ये तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ देखें तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास 2x और यहाँ 32, सही है। यहाँ किसे कर देंगे अपन, प्लस के 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 32।
और यहां देखें ये माइनस और ये प्लस, कितना बचा रिमाइंडर जीरो, देख लीजिए। इसीलिए ये इसकी क्या है, गुणनखंड है। कोई किसी का गुणनखंड तभी हो सकता है जब उसका भाग देने पर कितना है शेष फल, जीरो। अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो यही आएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था इसको, सही है। इतनी बात आगे समझ में, लेकिन हर बार ऐसे बाहर देखी चेक नहीं करना है स्टूडेंट्स। अपन एक शेषफल प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय, देखिए शेषफल प्रमेय क्या है, अपने पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस कितना है 32 है। आपको चेक करना है कि ये इसके गुणनखंड है या नहीं है। जैसे अपने को दे रखा था कितना x माइनस या x प्लस 2 था, कितना था x प्लस 2, तो आप इसको जीरो के बराबर रखो, सही है। तो कितना आ गया है x बराबर कितना हो गया है माइनस का 2 हो गया। ये जो x का मान है ये जहां जहां x हो वहां रख दो, अगर शेषफल जीरो आ गया तो ये इसका क्या है गुणनखंड होगा। देखो कैसे, यहाँ x है तो माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ 14, यहाँ x है तो यहाँ माइनस 2 आ गया और ये माइनस 32 हो गया। क्लियर बात, यहाँ कितना हो गया 4, सही है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 32। ये प्लस का कितना हो गया है 32 और ये माइनस का कितना हो गया है 32, कितना आया है शून्य आ गया है। अगर ये शून्य है तो अपन कह सकते हैं अतः x प्लस 2 बहुपद x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 32 का गुणनखंड, इसका क्या है गुणनखंड है, ऐसे होता है, सही है। अगर शेषफल जीरो आएगा तो उसका क्या हो सकता है गुणनखंड, अगर शेषफल जीरो नहीं आएगा तो वो कभी भी उसका गुणनखंड नहीं होता है, समझ रहे। जैसे अगर अपन इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें और एक क्वेश्चन चेक करें कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये एक बहुपद है, सही है, का गुणनखंड x माइनस 1 है या नहीं है, अपने को चेक करना है कि ये है या नहीं है। अगर शेषफल प्रमेय से इसका मान कितना आ जाए जीरो, तब तो ये इसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सीधी बात यही है। तो अपन क्या करेंगे, x माइनस 1 को लेके आएंगे, पहले x माइनस 1 जीरो के बराबर रखो, तो x का मान कितना आ गया है अपने पास 1 आ गया। ये मान कहां रख देंगे, जहां जहां x दे रखा है वहां वहां 1 रख दो, अगर जीरो आ रहा है तो वो टर्म्स इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। जैसे यहां अपन देखें एक्स क्यूब है, सही है, कितना है एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या कर देंगे अपन 1 का क्यूब, यहाँ 2 है फिर 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर यहाँ x है तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ कितना हो गया प्लस 2। इसको सोल्व करें अपन तो ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा 0, सही है। तो अपन कह सकते हैं अतः x माइनस 1 बहुपद x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का गुणनखंड है, 2 का क्या है गुणनखंड है। ये लीजिए, ऐसे क्वेश्चन चेक हो जाता है, समझ रहे। बस अपने को करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इसका बस डिवाइड देना है, अगर ऐसे आपको नहीं पता चले तो आप क्या कर सकते हैं इसमें भाग भी दे सकते हैं। बाकी इजी तो अपने पास क्या होती है शेषफल थ्योरम ही होती है, अगर आप चाहें तो भाग भी दे सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं कि भाग नहीं जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर फिर कितना है माइनस का x प्लस 2, यही था आपने वो x माइनस 1 का डिवाइड देना है। तो आप देख लीजिए यहाँ x आ जाएगा तो ये कितना हो गया x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब भाई, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाए, यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब और यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, सही है। यहाँ साइन बदलेंगे अपन तो ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास माइनस का x स्क्वायर और माइनस का x और प्लस 2, एक साथ लिख लेंगे पूरा बचा हुआ टर्म्स। अब यहाँ कितनी बार हो जाएगा माइनस x, यहाँ हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x हो गया, सही है क्या। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ साइन बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना जाएगा माइनस का 2x हो गया और प्लस का कितना है 2 है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ कितना जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया माइनस 2x, सही है। और माइनस माइनस प्लस ये लीजिए,
यहाँ फिर साइन बदलेंगे, ये प्लस और ये माइनस, हट गया जीरो आ गया, आ रहा नहीं यार। लेकिन इससे अच्छा है आप किसका प्रयोग करें, शेषफल थ्योरम का प्रयोग करें। अगर शेषफल थ्योरम के द्वारा अपने को कितना मिल रहा है, डायरेक्ट जीरो मिल रहा है, शेषफल तो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है, बस इतनी सी बात है। अब क्या करेंगे अपन, कुछ यहाँ पर है ना टर्म्स को हटा देंगे, कोई भी एक वैल्यू हटा देंगे और यहाँ पर मान पूछा जाएगा ये इसका गुणनखंड है तो इसका मान कितना होगा। ये चीजें अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये चीजें कहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतनी जो चीजें आई हैं एक बार इसको आप ध्यानपूर्वक अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए। ओके थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो जो क्लास है उसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।